इसके पिछले वीडियो में ऑल प्रोडक्ट पेज को क्रिएट किए थे, इस वीडियो में लॉगिंग और साइनअप पेज को क्रिएट करेंगे। तो ये लॉगिंग और साइनअप पेज का डॉक्स है, तो इसके हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लॉगिंग और साइनअप पेज को क्रिएट करने के लिए आपको पेजेस फोल्डर में जाना है और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन, और इसमें देंगे साइनअप और लॉगिंग। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये आपका पेजेस फोल्डर है और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे देंगे साइनअप डॉट जे एस एक्स आर एफ सी करेंगे, और यहाँ पे साइनअप आ जाएगा। तो साइनअप पेज क्रिएट हो गया। देन लॉगिंग पेज क्रिएट करेंगे, लॉगिंग डॉट जे एस एक्स आर एफ सी करते हैं, और यहाँ पे देंगे लॉगिंग। तो ये आपका लॉगिंग पेज क्रिएट हो गया। देन आपको ऐप डॉट जे एस एक्स में जाना है और यहाँ पे लॉगिंग और साइनअप का राउट क्रिएट करना है। तो ये आपका ऐप डॉट जे एस एक्स है और यहाँ पे क्रिएट करेंगे राउट, राउट पाथ लेंगे स्लैश साइनअप, और एलिमेंट में देंगे साइनअप, साइनअप। तो यहाँ पे साइनअप के लिए राउट क्रिएट हो गया। अब लॉगिंग के लिए क्रिएट करेंगे तो राउट लेंगे, राउट पाथ स्लैश लॉगिंग, और एलिमेंट लेंगे एलिमेंट लॉगिंग। ये टॉप पे इंपोर्ट हो गया लॉगिंग और साइनअप। तो यहाँ से आपका लॉगिंग का राउट क्रिएट हो गया। अब इसको देखना है तो यहाँ पे स्लैश लॉगिंग करेंगे तो ये आपका लॉगिंग का दिखेगा, और साइनअप करेंगे साइनअप तो यहाँ पे साइनअप पेज दिखेगा। अब इसको क्रिएट करना है तो ये आपका साइनअप फॉर्म का कोड है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस कोड को कॉपी करते हैं, और ये साइनअप पेज है, और इसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नेम एड्रेस पासवर्ड। तो इस कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको एक डिव लेना है, और डिव के अंदर क्लास नेम लेंगे, और क्लास नेम के अंदर फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर और एच स्क्रीन करेंगे, तो ये सेंटर में सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइनअप फॉर्म क्रिएट होगा। तो एक डिव लेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पिंक देंगे, और बॉर्डर लेंगे और राउंडेड एक्सेल कर रहे हैं, बॉर्डर रेडियस आपका एक्सेल रहेगा, और शेडो एमडी कर रहे हैं, ठीक है। और एक टॉप हेडिंग देंगे जिसमें आपका साइनअप आएगा, और ये आपका फर्स्ट इनपुट है, और इनपुट में बैकग्राउंड कलर पिंक है, बॉर्डर है और बॉर्डर का कलर पिंक है, और विड्थ 96 दे रहे हैं, राउंडेड एमडी आउटलाइन नन, और प्लेस होल्डर कलर है पिंक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम ऐसे ही ईमेल एड्रेस के लिए क्रिएट करेंगे, तो ये आपका सेकेंड इनपुट है, और ये थर्ड है, और एक बटन है जिसमें आपका साइनअप बटन आ रहा है, इसका भी बैकग्राउंड कलर पिंक है, और होवर करने पे पिंक 600 रहेगा। जैसे आप होवर करेंगे तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट वाइट कर रहे हैं, और टेक्स्ट को सेंटर करेंगे जो कि ये सेंटर हो जाएगा। देन यहाँ पे एक और डिव लेंगे, और जिसके अंदर H2 देंगे, हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे लिंक देंगे। जब आपका अकाउंट है तो आप सीधे लॉगिन करें, और यहाँ पे लिंक दे रहे हैं जो कि ये टॉप पे इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। अब लॉगिन पेज को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आप साइनअप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करना है तो ये कोड है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस कोड को कॉपी करेंगे, और ये आपका लॉगिन पेज है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड है। तो ये कोड है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेम ऐसे ही है जैसे आपका साइनअप फॉर्म का था, ठीक है। तो यहाँ पे एक H2 है, और यहाँ पे दो इनपुट लिया गया है, और एक बटन है, और ये एक डिव है। मैं H2 में देंगे, जिसका अकाउंट नहीं है तो वो साइनअप फॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे जब आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो साइनअप पे जाएंगे, और पहले से अकाउंट है तो सीधे आप लॉगिन करें। इस तरह से आप लॉगिन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। तो इस लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करना है तो डॉक्स के हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो ये आपका डॉक्स है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।